ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिफंड. चैप्टर 10 रिफंड रूल 89 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट. ठीक है, ये रूल 89 का ये हेडिंग लिख सकते हैं. रूल 89 में है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ, अब किस किस चीज का रिफंड, टैक्स का रिफंड, इंटरेस्ट का रिफंड, पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट. तो रूल 89 के सब रूल 1 में जो है एनी पर्सन एक्सेप्ट द पर्सन कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 55. मतलब सेक्शन 55 को छोड़कर, उसमें उसके अंदर जो नोटिफिकेशन इशू किया गया उसको छोड़कर, बाकी कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन एक्सेप्ट द पर्सन कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 55 क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम अदर देन रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया. तो जैसे कि जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है. एक तो होता है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और एक होता है कि एक्सपोर्ट के ऊपर अपने टैक्स पहले दिया IGST और उसके बाद उसका रिफंड क्लेम किए. तो इस वाले को भी छोड़कर, अगर आपने एक्सपोर्ट किया है उस पर IGST दिए हैं उसका रिफंड, उस पर भी तो रिफंड होता है. तो वो वाला रिफंड की बात यहां नहीं हो रही. उसके अलावा कोई अगर और चीज का रिफंड है, टैक्स का है, इंटरेस्ट का है, पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम अदर देन रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया मे फाइल एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST-RFD-01 थ्रू द कॉमन पोर्टल इधर डायरेक्टली और थ्रू ए फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय. तो उसको RFD-01 फाइल करना पड़ेगा. तो RFD-01 जो फॉर्म है ये कौन व्यक्ति फाइल करेगा, इसके लिए दो एक्सेप्शंस हैं. एक तो वो सेक्शन 55 के अंदर जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था उसमें वो नहीं आ रहा है, और दूसरी बात क्या है कि जो रिफंड है वो एक्सपोर्ट वाले IGST का रिफंड नहीं है, इनके अलावा किसी दूसरे चीज का रिफंड. तो उसके लिए एनी पर्सन एक्सेप्ट द पर्सन कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 55 क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम. पेड बाय हिम मतलब ये नहीं कि कोई क्रेडिट का आपको नहीं मिलेगा, आपने पे किया है उसका आपको मिलेगा. और ये रिफंड किस टाइप का होना चाहिए, अदर देन रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया मे फाइल एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST-RFD-01 provided that any claim for refund relating to balance in electronic cash ledger in accordance with the provisions of subsection 6 of section 49 may be made through the return furnished for the relevant tax period in form GSTR or GSTR-4 or GSTR-7 hai dekhe. To ye jo baat bol raha hai na, ye bhi bahut important baat hai. Iske liye aapko alag se form matlab nahi bharna hai. एनी क्लेम फॉर रिफंड रिलेटिंग टू बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए वो था एक्स्ट्रा पैसे जमा किए हुए, तो उसके अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपको उसी जो फॉर्म है GSTR-3 है, लेकिन GSTR-3 तो अभी फाइल नहीं होता है, तो इसका मतलब अभी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे. लेकिन रूल में यही है कि आपको GSTR-3 फाइल करके या GSTR-4 या GSTR-7, ठीक है, एनी क्लेम फॉर रिफंड रिलेटिंग टू बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 6 सब सेक्शन 49. तो सब सेक्शन 6 सब सेक्शन 49 ये भी फिर देखना पड़ेगा कि उसमें क्या चीज है. तो 49 का
ये सेक्शन 49 और उसके सब सेक्शन 6, इसमें ये बोला हुआ है कि द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर मे बी रिफंडेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। तो ये बोल रहा है कि जो आपके खाते में पड़ा हुआ है, कैश लेजर में हो या क्रेडिट लेजर में, और उसके अगेंस्ट आपने सब एडजस्ट कर दिया, जितने लायबिलिटी थी दे दिए, तो जो एक्सेस पड़ा हुआ है, जो बैलेंस उसमें पड़ा हुआ है, उसके बारे में बोला है कि इट मे बी रिफंडेड इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजन सब सेक्शन 54। तो इसीलिए जब कुछ करते हैं तो वहीं पर लिखना चाहिए कि ये है प्रोविजन सब। लेकिन अब चूंकि इनको सीरियल वाइज चलना होता है, इसीलिए वहीं की वहीं कहानी नहीं, फिर आपको सेक्शन 54 में अब वहां जाना पड़ेगा कि उसके प्रोविजन क्या है। तो सेक्शन 54 का जो हेडिंग है वो रिफंड का तो है, लेकिन उसमें रिफंड के लिए दो है, ये चैप्टर 11 में आता है पूरी रिफंड की कहानी। तो सेक्शन 54 वापस में आते हैं, सेक्शन 54 सब सेक्शन 1, इसको आप लोग सेक्शन का नाम लिख लीजिए कम से कम, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा क्लियर नहीं होगी पिक्चर। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम मे मेक एन एप्लीकेशन। खाली सेक्शन का नाम लिखिए, हम लोग फिर आएंगे उसके ऊपर, ऐसा नहीं कि एक चीज ये समझ ले। सेक्शन का नाम पता होना चाहिए कि सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 इसमें कुछ है, तभी तो बाद में उस पर फिर करेंगे रिसर्च। तो एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम मे मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। तो ये बोला कि अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो रेलेवेंट डेट के 2 साल के अंदर आपको कर लेना चाहिए। तो कम से कम एक चीज तो पता चला अभी तक तैरते तैरते, एक चीज हाथ में पकड़ा है छोटी सी लकड़ी, ये हाथ लगा कि 2 साल के अंदर क्लेम करना होता है। और रेलेवेंट डेट जो है, अब रेलेवेंट डेट का मतलब भी अभी समझ में आएगा। तो एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी, मतलब टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रखा है उसका रिफंड, इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट पेड बाई, तो या तो टैक्स दिया है या इंटरेस्ट दिया है या कोई फालतू में कुछ भी अमाउंट दे रखा है, एनी अदर, अदर में तो कुछ भी आ सकता है लेकिन उसने पे कर रखा है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, जो भी फॉर्म है उसमें एप्लीकेशन फाइल करेगा। और इसकी टाइम लिमिट क्या है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम रेलेवेंट डेट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 6 सब सेक्शन 49 मे क्लेम सच रिफंड इन द रिटर्न फर्निस्ड अंडर सेक्शन 39 इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब। तो सेक्शन 39 में वही रिटर्न की बात करने लगे, जो GST-R 3, 4 और 7 वो सब 39 में ही जाते हैं ना रिटर्न, तो उस रिटर्न में भरकर ही क्लेम करेगा। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरकर आप नहीं उसी में क्लेम करते हैं रिफंड, उसके लिए अलग से फॉर्म नहीं देना पड़ता है। तो किस किस केस में रिटर्न भरकर ही हम रिफंड क्लेम करेंगे, वो केस जो सेक्शन 49 के सब सेक्शन 6 में कवर्ड है, वो केस उनके लिए आपको रिटर्न भरकर रिफंड क्लेम करना होगा। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इसके लिए अलग से आपको एप्लीकेशन नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए सेक्शन 49 सब सेक्शन 6 का नाम फिर से लिख डालिए, सेक्शन 49 सब सेक्शन 6 वाले जो जो केस हैं उसमें उसी रिटर्न के अंदर ही आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा भरकर, ठीक है। तो सेक्शन 49 का सब सेक्शन 6 एक बार हम लोग फिर से सुन लेते हैं। इसमें लिखा है कि द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर मे बी रिफंडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। तो अब 49 सबसेक्शन 6 में ये बोल रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो बैलेंस है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस, आप इन दोनों का नाम भी लिख डालिए, आपके लिए तो बिल्कुल नई चीज है ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर,
जिसको कंफ्यूजन हो तो इस टर्म का नाम भी लिख लेना चाहिए। और सारे पेमेंट आपने कर दिया है, टैक्स का कर दिए, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, तो ये सब पेमेंट के एडजस्टमेंट होने के बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा सेक्शन 54 के जो प्रावधान है उसके हिसाब से। तो अब हम लोग वापस रूल में आते हैं। ये जो रूल 89 से हम लोग स्टार्ट किए थे ना, क्योंकि ये जो फॉर्म है, जो फॉर्म GST-R RFD 01A, इसमें दो रूल का नाम लिखा हुआ है, रूल 89 सब रूल 1 और एक है रूल 97A। तो कोई बोले कि ये फॉर्म होता क्या है जीएसटी, कोई बोले जीएसटी, क्योंकि अभी तक तो हम लोग GST-R RFD 01 ही रूल में दिखा, 1A तो आया ही नहीं। तो इस फॉर्म का नंबर है GST-R FD 01, और इस पर जो अप्लीकेबल रूल है, इतना तो पता चला ना कि GST-R FD 01 रिफंड का फॉर्म होता है, और इस पर दो रूल अप्लीकेबल है, रूल 89 सब रूल 1 और रूल 97A। इतनी भी उपलब्धि काफी है। अब इसमें लिखा कि किस लिए यूज होता है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड मैनुअल, क्योंकि अभी ऑनलाइन का जब तक प्रॉपर सिस्टम नहीं चालू है तो लोग मैनुअली काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन सिस्टम बैठाने में उनको टाइम लग रहा है। अब तो अब जैसे कि नहीं देखते होंगे कि लिफ्ट जब तक नहीं चल रही है तो लोग ऊपर से रस्सी से ही बोलते हैं खींच लेते हैं, मैनुअली आ जाओ, उसी में टोकरी बांध दी है, उसी में रख दिया अपना सीमेंट ईंट, घर बनता है ना, तो नहीं मैनुअल काम करते हैं कि भाई तब तक लिफ्ट बन जाएगा तब तो लिफ्ट से आना, क्योंकि लिफ्ट में सर लाइट चली गई तो वहीं रह फंस जाते हैं लोग, मर जाते हैं, हाथ के रहेंगे सर इलाज है। जब तब लाइट आएगी तभी है। तो ये जो GST-R FD 01A है, ये रिफंड क्लेम करने का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर रिफंड और मैनुअल, मतलब ऑनलाइन है मैनुअल वाला सिस्टम। तो इसमें लिखा है कि ये किस पर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर एंड अदर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। मतलब इसमें एक तरह से फिर सारे ही आ गए, लेकिन उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, इसलिए उनका नाम दिया हुआ है। नहीं तो अधिकतर जगह क्या हम लोग देखे हैं, जैसे कि GST-R 9 में देखे थे एनुअल रिटर्न में कि किसके किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आता है, या टैक्स डिडक्टर के लिए भी नहीं था, हाँ टैक्स कलेक्टर के लिए बाद में आ गया था। कौन सा फॉर्म था टैक्स कलेक्टर का एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या था, 9B, GST-R 9B। अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन वाले के लिए क्या था मौसमी, हाँ अरे वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। और बाकी नॉर्मल के लिए क्या था मैडम, आप तो थे ही नहीं शायद, GST-R 9। तो ये जो 01 है RFD 01A, ये सबके लिए है, मतलब और मैनुअल रिफंड, एप्लीकेशन फॉर रिफंड मैनुअल। अब इसमें हम लोग आते हैं अब 97A जो रूल है। अच्छा रूल 89 का सब रूल 1 में ये इतने दूर रहते हैं, आगे कहानी नहीं जाते, नहीं तो लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। एक सेकंड ये सब रूल 1 कंप्लीट कर लेते हैं, अभी आधा अधूरा ही हुआ, एक बार जल्दी जल्दी स्पीड में सुना देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर रिफंड, ये रूल 89 सब रूल 1, एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट। तो जाहिर सी बात है इसी के लिए रिफंड मांगू और किसके लिए मांगू, सब रूल 1 ऑफ रूल 89 ऑफ CGST रूल्स, एनी पर्सन एक्सेप्ट द पर्सन कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 55 क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम अदर देन रिफंड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई बोले कि एक्सपोर्ट पर मैंने तो टैक्स दे दिया, मैं मुझे कहा कौन से रूल में मिलेगा रिफंड, तो 89 सब रूल 1 में नहीं है उसके, उस एक्सपोर्ट पर जो IGST दिया उसके अलावा कोई रिफंड, उसके लिए रूल 89 के सब रूल 1 में है। प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम फॉर रिफंड रिलेटिंग टू बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 49 मे बी मेड थ्रू द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड। अब आपको
देखो रिफंड दो चीज का होता है, जैसे ये केस है कि फालतू का जमा हो गया, गलती से जमा हो गया दूसरे घर में, इसका भी तो क्लेम लेना है। और जैसे एक दूसरा केस है आरएलआर इंस्टीट्यूट का, वो कोई फालतू जमा नहीं हुआ है, उनका इनपुट कटते जा रहा है, जहां से वो ले रहे हैं सर्विस वो दिए जा रहा है, आउटपुट हो ही नहीं रहा टैक्स, तो उनका भी घरा भरते जा रहा है क्रेडिट का, तो उसका भी तो उनको कभी ना कभी मिलना चाहिए ना। तो ये दो केस हो रहे हैं, एक तो केस हुआ जो आपने गलती से जमा कर दिया है, एक्सेस जमा कर दिए हैं, उसका क्लेम लेना, एक ये केस हुआ जो डायरेक्ट। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपका वो क्रेडिट लेजर बढ़ते जा रहा है या कैश कराओ पहले, तो उस केस में उसका रिफंड भी बाद में देती होगी। शैल बी क्लेम्ड इन द लास्ट रिटर्न रिक्वायर्ड टू फर्निश पे। तो ऐसे भी कुछ केस हुआ कि आपको रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए आप तो करवा रहे हैं, मान लो कि आपको कैसा केस आप मैं बतला सकता हूं, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, ये भी तो होता है ना, उसमें एडवांस टैक्स ही जमा करना होता है 27 में ही, आपको कहीं प्रदर्शनी लगानी है दूसरे स्टेट में तो आपको तो जमा करना पड़ेगा एडवांस टैक्स, आपको बतलाना पड़ता है कि मेरा इतना सेल होगा एस्टिमेट, और उस पर इतना बैठेगा, बोलेंगे पहले जमा कराओ फिर आपको रजिस्ट्रेशन दूंगा, ऐसे नहीं होता है कि ऐसे। तो फिर जब आप लास्ट, मान लीजिए कि आप 90 दिन का होता है वैसे, तो आप जब लास्ट वाला रिटर्न भरेंगे ना, तब आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं उसके, यही है। तो सेक्शन 27 में एडवांस टैक्स किस केस में जमा होता है, हाँ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम एडवांस टैक्स लगता है, तो उसका रिफंड मिल जाएगा। जब कब मिलेगा, जब लास्ट वाला रिटर्न, तभी तो पता चलेगा कि आपकी क्या कहानी रही पूरी। अब लेट तो नहीं रहते, तो अब जो है ना 97A जो रूल है, थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं, क्योंकि दोनों रूल इसमें कवर्ड है इस फॉर्म में। कौन सा फॉर्म हम लोग देख रहे हैं मैडम, कौन सा फॉर्म, फॉर्म का नाम है कि वो भी, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ जी करके कुछ था, इतना तो क्लियर, जीएसटी तक तो बोल ही दीजिए कुछ तो, जीएसटी RFD 01, RFD रिफंड को बोलेंगे, और 01 के बाद ए लगा दीजिए, वो मैनुअल क्या। अब इसमें रूल 97 में आते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में था ना कि ये 97A, एक तो 89 सब रूल 1 और दूसरा रूल है 97A, तो 97A को ही सीधे देखते हैं कि उसमें क्या कहानी है। रूल नंबर 97A, तो 97A जो है ये क्या बोल रहा है, मैनुअल फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग। इस अब रूल में क्या होता है ना, पूरी उसका प्रोसीजर समझाया जाता है कि ये आपको फॉर्म भरना है, इतने ये पॉइंट भरने हैं, ये चीज है, ये सारा एक्ट में डिटेल में नहीं बतलाया जाता है। एक्ट तो बोल देगा कि आपको पहुंचना है कनॉट प्लेस, ये हो गया एक्ट की लाइन। फिर रूल में समझाया जाएगा कि आप जो है पूरी तरह ड्रेस पहनिए, मान लीजिए वहां मीटिंग करनी है कि आपको क्लाइंट से मिलना है कनॉट प्लेस, ये तो हो गया एक लाइन रूल की बात, एक्ट की बात। फिर रूल में डिटेल में कि आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है, ब्लू कलर की व्हाइट होनी, टाई होनी चाहिए आपकी, और जूते पॉलिश होने चाहिए प्रॉपर, और उसके बाद आपको मेट्रो पकड़ना है इतने बजे, यहां उतरना है, वहां वो मिलेंगे, वो वहां उनको ये चीज देनी है, वो डिटेल कहानी रूल में ही रहती है, तो एक्ट हो जाएगा बहुत महाभारत, इसीलिए साइड में रूल बनाया जाता है। तो रूल 97A मैनुअल फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड हियरिन एनी रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। अब हर जगह लिखा था ना कि इलेक्ट्रॉनिकली, तो अब बोला है कि जहां भी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की बात लिखी हुई है, वो एप्लीकेशन हो, इंटीमेशन हो, रिप्लाई, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक इश्यूएंस ऑफ अ नोटिस, ऑर्डर और सर्टिफिकेट ऑन द कॉमन पोर्टल सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रोसेस और प्रोसीजर इंक्लूड मैनुअल फाइल, तो माना जाएगा कि मैनुअल भी है, ये मान लिया जाएगा कि भले, क्योंकि एक्ट में तो इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड है, तो अब एक्ट को तो जल्दी बदल नहीं सकते हैं, तो ये बोला कि जहां इलेक्ट्रॉनिकली है उसको मान लो कि ये मैनुअल को भी इंक्लूड कर रहा है, नहीं तो फिर बोलेगा किस कानून के आधार पर आप मैनुअल कर रहे हैं, तो कोई बोलेगा नहीं रूल में है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली विल आल्सो इंक्लूड मैनुअली,
तो इसीलिए यहाँ पर क्लियर कर देगा, इंक्लूड मैनुअल फाइलिंग ऑफ द सेट एप्लीकेशन, इंटीमेशन, रिप्लाई, डिक्लेरेशन, मतलब जो भी स्टेप्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली कीजिए, और वो उसमें मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल को भी इलेक्ट्रॉनिकली माना ही जाए, ठीक है, इन सच फॉर्म एज अपेंडेड टू दिस रूल्स। तो रूल 97 ए केवल यही क्लियर करने के लिए बोला है, नहीं तो फिर मैनुअल को नहीं कर पाता ना। तो इसीलिए ये जो फॉर्म है 97 ए, इसमें रेफरेंस दिया गया है इस रूल का, खाली यही क्लियर करने के लिए कि ये मैनुअल, हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो इंक्लूड मैनुअली। अब इस फॉर्म में जो जो पॉइंट है ना, वो तो एक में GST IN, दूसरा लीगल नेम मतलब जो पैन पर छपा रहता है, तीसरा ट्रेड नेम जिसे बिजनेस कहते हैं, चौथा एड्रेस जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है, पांचवा टैक्स पीरियड, छठा पॉइंट है अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम्ड। अब आप रिफंड क्लेम किस किस तरह का कर रहे हैं, उसमें से बनाए हुए हैं, सेंट्रल एक्ट में कितना है, स्टेट SGST एक्ट में कितना है, और फिर हर एक्ट में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर टोटल, ये सब है। अब ग्राउंड ऑफ रिफंड क्लेम, किस आधार पर आप क्लेम कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं। एक तो लिखा है कि एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपने फालतू का जमा करा दिया, टैक्स बैठ रहा था 32,000, जमा करा दिए 62,000, हो तो सकता है कंफ्यूजन, या 26 के बदले ही 62 करा दिए, 2 को 6 इधर उधर कर दिए। बी में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आपने अगर सर्विस का एक्सपोर्ट किया है और टैक्स भी दिए हैं मतलब एक्सपोर्ट पर, तो उसका रिफंड ले सकते हैं। तो आप लोग कारण कम से कम याद करते चलिए कि भाई कारण तो पता होना चाहिए कि किस किस कारण से रिफंड होता है। पहला कारण क्या था, एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब जब आप पैसा जमा करते हैं ना, तो आपके कैश लेजर में जाते हैं, तो कहीं से आपको क्रेडिट मिलता है खरीदने पर, तो क्रेडिट लेजर में वो जमा होते रहता है। तो दो दो बक्सा बना रखा है, एक में तो डायरेक्ट आप डालते हैं उसको कैश लेजर कहते हैं, और दूसरा होता है कि खरीदने के टाइम किसी इनपुट लिए, गुड्स लिए, सर्विस लिए, तो उसने भी तो GST लिया आपसे, तो वो क्रेडिट होते जाते हैं आपके नाम पर, वो क्रेडिट लेजर में जाते। तो पहला कारण हो सकता है कि आपके कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस, क्रेडिट लेजर की एक्सेस की बात नहीं कर रहा है, कैश लेजर। दूसरा कारण हो सकता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेस, गुड्स की बात नहीं है यहां पर, सर्विस के एक्सपोर्ट किए हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स तब। तीसरा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्युमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए यहां पर ये बी और सी में अंतर क्या है, बी में था एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स भी आपने डायरेक्ट ही दिया है, ठीक है, आपने सर्विस का एक्सपोर्ट भी किया और आपने उस पर टैक्स भी खुद ही दिए, कोई क्रेडिट वेडिट की बात नहीं कर रहा है। तो बी में दो बात अलग है, एक तो सर्विस की एक्सपोर्ट की बात है, और दूसरी की टैक्स आपने खुद जमा भी करा है, वो बी में है। सी में क्या है कि दोनों का एक्सपोर्ट है, एक गुड्स का हो या सर्विस का हो, और उसमें टैक्स जमा कराने की बात नहीं है, वो जो इनपुट क्रेडिट एक्युमुलेट हो रखा है ना, इनपुट क्रेडिट, मान लीजिए आप सामान खरीद के लाते हैं, उस पर आपने टैक्स दिया होगा, उसी सामान को या तो बेच रहे हैं आगे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या मटेरियल खरीद के लाएंगे, उसको यूज किएंगे उसमें, उसको एक्सपोर्ट करें, जो भी कारण, मतलब आपने जमा नहीं किया डायरेक्ट, वो खरीदने के टाइम, हाँ, गुड्स लिए हों पीछे से या सर्विस लिए हों और फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और पीछे से जब लिए उस पर आपको टैक्स लगा, GST, सर्विस हो या गुड्स, तो आपने जमा नहीं किया डायरेक्ट, वो आपको लग गया है इनपुट के, मतलब इनपुट ऑफ गुड्स हो, इनपुट ऑफ उस पर लगा, तो उसका भी आपको क्रेडिट मतलब रिफंड मिल जाता है। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड दो तरह के रिफंड हो सकते हैं। पहला कैटेगरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वाला अगर मामला है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आपने जो डायरेक्ट जमा किया है, एक तो वो कैटेगरी हो, और दूसरी होगी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, और जो आप एक्युमुलेट हो रखा है इनपुट क्रेडिट उसका रिफंड। तो ये दोनों अलग अलग बातें होगी ना। और सबसे पहले में क्या था, एक्सेस डिपॉजिट इन कैश लेजर बैलेंस, और बी में था एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, सी में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एक्युमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर डी में इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्युमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर।
अंडर क्लॉज 2 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 54 सब सेक्शन 3। तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के कारण वो सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में उसके कारण भी मिल सकता है। तो अभी फिलहाल इसी टर्म को पकड़ के चलिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्ट मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। वैसे तो इन्वर्टेड एक होता है ना, इन्वर्ट मतलब उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। तो 54 सब सेक्शन 3 में, अब उसमें डिटेल में बाद में जाएंगे। फिर उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड टू एसीजेड यूनिट एसीजेड डेवलपर, उसको भी सप्लाई की, वो भी जीरो रेटेड में आता है तो उसके कारण भी आपको रिफंड मिलेगा विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब आपने एक तो अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट किए थे वो तो ऊपर हो गई बात, फिर आप एसीजेड यूनिट एसीजेड डेवलपर को आपने सप्लाई किया और टैक्स भी दिए तो उसका भी रिफंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड टू एसीजेड यूनिट एसीजेड डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उस पर भी कुछ रिफंड वो भी मिल सकता है। फिर रिसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज या सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज। अब देखो डीम्ड एक्सपोर्ट में दो केस पड़े थे हम लोग, कि पहले तो नॉर्मली तो रिसिपिएंट ही फाइल करता है, लेकिन अगर वो फाइल नहीं कर रहा है, अगर वो मतलब वो दे दे कि मैंने इनपुट क्रेडिट नहीं लिया है, और तब इस केस में ये क्लेम कर देगा कि इसको फिर रिफंड इसको दे दो सप्लायर को। तो इसलिए डीम्ड एक्सपोर्ट में ये कोई क्वेश्चन पूछे कि हु इज द पर्सन एलिजिबल टू फाइल रिफंड क्लेम इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, तो इसके आंसर क्या होगा, नॉर्मली इट इज फाइल बाय रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन कौन हो सकते हैं, वही जो चार कैटेगरी था कि एक तो था कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगेंस्ट ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अगेंस्ट कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे और एक एक्सपोर्ट बैंक वाले थे। हाँ, तो मतलब सप्लाई एक्सपोर्ट नहीं सप्लाई, तो रिसिपिएंट ही करता है लेकिन कहीं कहीं सप्लायर भी करता है। उसके बाद है अगला कारण हो सकता है कि ऑन अकाउंट ऑफ ऑर्डर, अब कोई ऑर्डर पास हुआ जिसके कारण आपको रिफंड मिल गया तो उसके कारण भी हो सकता है। फिर अगला ग्राउंड है टैक्स पेड ऑन एन इंटरस्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई एंड वाइस वर्सा, चेंज ऑफ POS, POS मतलब place of supply। तो आपने कोई टैक्स दिया इंट्रास्टेट सप्लाई समझकर, जैसे लगा कि तो लोकल ही है उस पर दे दिए CGST SGST दे दिए, पता चला कि नहीं इंट्रा नहीं था तो इंटर था। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन भी तो हो सकता है, लगे कि मैं भी दिल्ली वो भी दिल्ली में करा दो इंट्रास्टेट हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं। हाँ, मान लीजिए रजिस्टर्ड पर्सन बाहर का है, उसका एक होटल दिल्ली में या कुछ ऐसा साइट दिल्ली में काम चल रहा, लगेगा तो हो गया इंटर, लेकिन वो तो इंटर होगा ना। तो इसलिए ऐसे कुछ कंफ्यूजन हो रखा है तो उसके लिए भी आपको मतलब जब टैक्स का वो डिजाइन बदल जाए, तो अगर मान लो CGST IGST के बदले मैंने CGST दे दिया है तो क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से सही वाला देना पड़ेगा पहले तो, और गलत वाले को रिफंड लीजिए। उसका हिसाब ठीक नहीं हो सकता कि या गलती हो गई उसको उसमें डाल दो, ऐसा संभव नहीं है। आपको अगर लग रहा था कि IGST था 20,000, आपने CG 10 और SG 10 दे दिया, पता चला कि गलती तो हो गई, तो अब आप ये रिक्वेस्ट नहीं बोल सकते कि मुझे मैंने गलती कर दिया और CG SG को तुम 20 IG समझ लो, तो ऐसा नहीं। आपको IG तो देना ही पड़ेगा 20,000 और फिर इसका रिफंड लीजिए, यही बोल रहे हैं। और फिर एक और कारण हो सकता है कि एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी, ये तो हो ही सकता है, 25,000 के बदले 52,000 दे दिए, वो दिए तो आईजी का आईजी है या एसजी, लेकिन फालतू का जमा करा तो उसका भी आपको, तो ऑलमोस्ट सारे रीजन इसमें। और एक लास्ट में एनी अदर, इसके अलावा भी अब जितने कल्पना कर सकते हैं सब आ गए, फिर भी लगे कुछ बचा खुचा है तो बोले कोई भी कारण आपको लग रहा है तो लिख दीजिए आप, तो ये कारण हो सकते हैं रिफंड क्लेम करने। फिर एक डिक्लेरेशन देना है सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में, उसमें डिक्लेरेशन में क्या लिखना होता है कि आई हियर बाय डिक्लेयर, अच्छा ये डिक्लेरेशन दे कौन रहा है, जो आदमी रिफंड क्लेम कर रहे हैं जाए वही कर रहे हैं, तो आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द गुड्स एक्सपोर्टेड आर नॉट सब्जेक्ट टू, अच्छा ये डिक्लेरेशन के अलग अलग सेक्शन है, अब जो अप्लीकेबल होगा ना वो देगा। तो पहला जो है हाँ ये एक सेक्शन 54 सब सेक्शन 3, सेकेंड प्रोविजो
टू सेक्शन 54 सब सेक्शन 3, वो देखना पड़ेगा आप किस में कवर्ड है। तो इसमें डिक्लेरेशन जो देना है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 54 सब सेक्शन 3, उसमें कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द गुड्स एक्सपोर्टेड आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी, आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट अवेल्ड एनी ड्रॉबैक ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स सेंट्रल टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ and that I have not claimed refund of integrated tax paid on supplies made in respect of his refund disclaimer. तो जो export किया है उसको ये सारी बातें बतलानी पड़ेंगी। क्या क्या बतलानी पड़ती है declaration में? एक तो पहले तो ये बतलानी है कि goods exported are not subject to any export duty, कि जो हमने सामान export किया है वो उस पर कोई export duty नहीं लगता। नॉर्मली एक्सपोर्ट पर लगता है लेकिन कुछ कुछ केस में लगते हैं। आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट अवेल्ड एनी ड्रॉबैक ऑफ सेंट्रल, अब ड्रॉबैक किस चीज का मिलता है? सेंट्रल एक्साइज का मतलब मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होता है, या सर्विस टैक्स का, या सेंट्रल टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेस मतलब CGST का, तो इसका ड्रॉबैक भी हमने अवेल नहीं किया है, मतलब एक तरह से बेनिफिट नहीं उठाए। तो पहले तो डिक्लेयर ये देना है कि एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी अप्लीकेबल ही नहीं है, दूसरा कि हमने कोई ड्रॉबैक नहीं लिया है इन सब चीजों का, सेंट्रल एक्साइज का, सर्विस टैक्स का, CGST का, एंड आई हैव नॉट क्लेम रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज रिफंड इसकी, और IGST का भी रिफंड हमने नहीं लिया। आई हैव नॉट क्लेम रिफंड ऑफ IGST, मतलब अब लेने जा रहे हैं, अभी तक नहीं लिए, अब उसी के लिए तो अब डाल दें, यानी कि मतलब पहले से नहीं लेकर बैठे हो, नहीं कोई प्रसाद कोई मतलब नहीं पहले से प्रसाद नहीं ले दो, यानी कि बोलना पड़ेगा, हालांकि प्रसाद लेने के लिए बैठे लेकिन बोलेगा ना कि भाई देखो मैंने पहले से नहीं ले रखा है लड्डू, अब दे दो लेके। उसको ये तीन चीज डिक्लेयर करना पड़ता है एक्सपोर्टर को, इसलिए ये जानना जरूरी है, तभी तो कोई कोशिश करेगा कि अच्छा ड्रॉबैक भी कुछ होता है और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कुछ होता है और IGST भी कुछ होता है। तो ड्रॉबैक किस किस चीज का होता है? सेंट्रल एक्साइज का, सर्विस टैक्स का और CGST का। कोई बोले IGST का ड्रॉबैक होता है, बोला नहीं होता है, IGST का आपको रिफंड मिलता है, ठीक है। आपको ड्रॉबैक जो होगा वो यही तीन चीज का हो सकता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स या सेंट्रल टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और गुड, ठीक है। तो एक एक चीज में ना कोई सोचे कहीं भी मुझे खजाना हीरा दिख जाएगा, वो बस वो ऐसी चाहिए धुन कि यहाँ क्या बात बोल रहा है, क्या क्वेश्चन क्या हो सकते हैं यहां से, तो उसके लिए धीरे 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 कोई जाएगा। तो ये एक तो डिक्लेरेशन, अलग अलग डिक्लेरेशन देना है, ऐसा नहीं कि सारा डिक्लेरेशन अप्लीकेबल नहीं है, जिसके लिए जो अप्लीकेबल है वही बात बोलेगा ना। तो जो डिक्लेरेशन देना है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में, वो एक्सपोर्टर के लिए, वो एक्सपोर्टर के लिए। फिर एक दूसरा डिक्लेरेशन है सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 क्लॉज 2, उसमें क्या है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन द एप्लीकेशन डज नॉट इंक्लूड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर मेकिंग नील रेटेड और फुल्ली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। ये राजेश जी कौन है? तो अब इसमें दूसरा जो डिक्लेरेशन है सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 के क्लॉज 2 में, इसमें बोल रहा है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन द एप्लीकेशन डज नॉट इंक्लूड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज फॉर मेकिंग नील रेटेड और फुल्ली एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो ये भी बहुत समझने की बात है कि अगर आप किताब मान लीजिए बेच रहे हैं, वो तो नील रेटेड है, किताब बनाने के लिए कागज लगाए होंगे, स्याही कुछ लगाए होंगे, तो क्या आप जो कागज और स्याही पर तो टैक्स दिए होंगे तो उसका आपको क्रेडिट मिल सकता है रिफंड? उसका नहीं मिल सकता है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वही एग्जेम्प्ट है, वो नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है, तो पीछे उसको बनाने के लिए आप जो दिए जा रहे हैं उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। कि लॉजिक क्या है, क्योंकि इस पर तो आपने टैक्स ही नहीं दिया ना, तो इसीलिए नहीं मिलेगा। तो ये आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ऐसा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है जो कि नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड गुड्स या सप्लाई में यूज हुआ है, मतलब उसके। तो इसलिए अगर कोई सप्लाई जो आप कर रहे हैं
वो अगर नील रेटेड सप्लाई या एग्जेम्प्टेड है, उस सप्लाई के लिए जो आपने इनपुट लिया है और उस पर जो टैक्स दिए हैं उसके लिए कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा बकायदा कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन द एप्लीकेशन डज नॉट इंक्लूड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर मेकिंग नील रेटेड और फुल्ली एग्जम्प्ट सप्लाई। तो इसलिए आगे से कोई पूछे, कोई किताब बेचने वाला समझे, तो इसको यूज कीजिएगा इस बात को, ये नहीं कि बोल रहे तो समय नहीं के टाइम तो अलग बात थी, अब तो काम बोल दे हाँ क्यों नहीं, क्लेम मिलेगा आपको, आपका जो जमा हो गया है। अभी जो आर एल आर वाले अगर देखना पड़ेगा, किताब बेचते रहते हैं, अरे तो रेंट का बिल है, किताब बेचने के लिए रेंट भी किराए पर ऑफिस ले रखे हैं, तो उसका तो कैसे क्लेम करेंगे फिर ये है? अभी तो हम लोग क्लेम ही कर लेते फिर ये तो भाई इम्पोर्टेंट बात नहीं है ये तो, ये लगता है कि तो समझने का तो एक अलग बात होता है, तो असली काम तो अब कर रहे हैं भाई, ये भूल ही जाते हैं कि दोनों में लिंक है बहुत गहरा और एकदम डिपेंड है एक दूसरे। इधर इधर बुला लाइए ना। उसके बाद एक और अगला डिक्लेरेशन है रूल 89 सब रूल 2, अब ये रूल में रूल 89 सब रूल 2 फिर क्लॉज एफ, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट टैक्स हैज नॉट बीन कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ कवर्ड अंडर दिस रिफंड। तो ये भी आपको बतलाना होता है। तो जो जो डिक्लेयर कर रहा है इसका मतलब वो नियम है, आप जब एसी जेड यूनिट को सप्लाई कर रहे हैं तो टैक्स नहीं ले सकते, या एसी जेड डेवलपर को सप्लाई कर रहे हैं तो उससे टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन ये भी आपको डिक्लेयर करके बोलना पड़ेगा कि मैंने नहीं लिया है, ठीक है ना। तो डिक्लेरेशन से भी बहुत कुछ समझ ज्ञान बढ़ेगा कि एसी जेड यूनिट या एसी जेड डेवलपर, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई में आते हैं उसमें नहीं ले सकते, तो फिर भी आपको बतलाना पड़ेगा। और सबसे पहला क्या था डिक्लेरेशन, एक्सपोर्टर को उसमें करना था ना कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी अप्लीकेबल नहीं है, हमने कोई ड्रॉबैक अवेल नहीं किया है एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स या सेंट्रल टैक्स का, और हमने अभी जो आईजीएसटी क्लेम करे इसके पहले इसके बारे में क्लेम नहीं किए। तो एक तो ये डिक्लेरेशन थी, ये था अंडर सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 54 सब सेक्शन 3। उसके बाद एक दूसरा डिक्लेरेशन था सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 क्लॉज 2 में, इसमें यह था कि हमने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया है वो किसी एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड सप्लाई से रिलेटेड नहीं, वो भी बतलाना है। और तीसरा डिक्लेरेशन है कि हमने एसी जेड यूनिट या एसी जेड डेवलपर से जो को जो सप्लाई किया है उस पर हमने कोई टैक्स उनसे नहीं वसूली है, उनको बिना टैक्स लिए सप्लाई कर दिए, ये भी आपको डिक्लेयर करके बतलाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बात कौन मानेगा। ये सारा डिक्लेरेशन इसीलिए एफिडेविट भी बनवाता है कि आप सही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोले जा रहे हैं बैठे बैठे, कुछ उसका भी तो होना चाहिए ना आधार। और एक और दो डिक्लेरेशन है बस, इसके बाद इसको निपटाते हैं, अब ये बीच में छोड़ने में भी इसको अच्छा नहीं लगता ना अधमरा करके। अब ये एक अगला डिक्लेरेशन रूल 89 हाँ सब रूल 2 क्लॉज एफ में था कि ये तो यही था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपर को जो हमने सप्लाई किया उस पर कोई टैक्स नहीं लिए। उसके बाद एक और डिक्लेरेशन है रूल, अब जो आपके लिए अप्लीकेबल हो वही भरेंगे मतलब के। तो ये जो डिक्लेरेशन है रूल 89 सब रूल 2 क्लॉज जी, इसमें इन केस रिफंड क्लेम्ड बाय रिसिपिएंट, तो टिक मारी एक यहां बॉक्स बना रखा है, आई हियर बाय डिक्लेयर that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supply. उसके बाद है इन केस रिफंड क्लेम्ड बाय सप्लायर, उसके सामने भी बॉक्स है उसमें टिक मारना है अगर ये एप्लीकेबल है। फिर इसमें क्या लिखना है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द रिफंड हैज नॉट बीन क्लेम्ड ओनली, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द रिफंड हैज बीन क्लेम्ड, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द रिफंड हैज बीन क्लेम्ड ओनली फॉर दोज इनवॉइसेस व्हिच हैव बीन डिटेल्ड इन स्टेटमेंट 5B
फॉर द टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड इज बीइंग क्लेम्ड, एक कुछ ना कुछ आएगा। तो अब ये बस एक दो इसमें डिक्लेरेशन है, उसके बाद फिर क्योंकि आपको भी जाना है उधर। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द रिफंड हैज बीन क्लेम्ड ओनली फॉर दोज इनवॉइसेस व्हिच हैव बीन डिटेल्ड इन स्टेटमेंट 5B फॉर द टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड इज बीइंग क्लेम्ड एंड द रिसिपिएंट शैल नॉट क्लेम एनी रिफंड विद रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाईज एंड ऑल्सो द रिसिपिएंट हैज नॉट अवेल्ड एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच सप्लाई। तो ये जो डिक्लेरेशन है ना, जो रूल 89 के सब रूल 2 के क्लॉज जी में है, ये डीम्ड एक्सपोर्ट वाले केस में अप्लीकेबल है कि या तो हाँ रिसिपिएंट ही क्लेम कर रहा हूं और इसका इनपुट क्रेडिट भी रिसिपिएंट ने नहीं अवेल किया हुआ है, ठीक है, ये उसको बतलाना पड़ेगा सप्लायर। उसके बाद अंडरटेकिंग, आई हियर बाय अंडरटेक टू पे बैक टू द गवर्नमेंट अमाउंट ऑफ रिफंड सैंक्शन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इन केस इट इज फाउंड सब्सिक्वेंटली दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 रेड विथ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द सीजीएसटी SGST Act have not been complied with in respect of amount refund। तो ये कि जिम्मेदारी भी बारे में ले लिया था कि मैं वापस भी कर दूंगा अगर लगा कि नियम कानून का पालन नहीं किया, मैंने गलत कुछ कर दिया, फालतू ले लिए, तो मैं इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। तो आपको रिफंड ऐसे नहीं देती है, तो पहले फॉर्म भरवाएगी, कारण पूछेगी, अंडरटेकिंग लेगी, उसके बाद डिक्लेरेशन लेगी, फिर अंडरटेकिंग भी लेगी कि आपको चाहो तो उसे बांध दिया जाएगा कि आप रिफंड लेकर भागिएगा। तो देखिये, ऊपर डिक्लेरेशन था, फिर अंडरटेकिंग आया, उसके बाद एक और सेल्फ डिक्लेरेशन है। वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ना, इसका सेक्शन है रूल 89 सब रूल 2 क्लॉज आई, इसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। उसमें तो खैर ये कि आई ओब्लिक वी, यहां एप्लीकेंट का नाम बढ़ना है, हैविंग GSTIN या टेम्पररी आईडी सोलेमली अफर्म एंड सर्टिफाई दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिफंड अमाउंट 2 rupees इतना विथ रिस्पेक्ट टू द टैक्स इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम इतना टू इतना क्लेम्ड इन द रिफंड एप्लीकेशन द इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन। तो आपको ये बतलाना पड़ेगा कि ये जो हम रिफंड ले रहे हैं, इसका इंसिडेंस किसी और को मैंने नहीं दे रखा। जाइएगा आराम से 10 मिनट का, ज्यादा हरबैया कोई करेगा तो उसको, मैं तो बोलने ही वाला था 2-3 मिनट, बोले 1 मिनट 1 मिनट। तो अब सेल्फ डिक्लेरेशन में है कि आई, यहाँ अप्लीकेंट का नाम है, हैविंग GSTIN नंबर है, सोलेमली अफर्म एंड सर्टिफाई दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिफंड अमाउंटिंग टू रुपीज इतना विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट फॉर द पीरियड, हम मतलब ये बतलाना है कि हमने इसका जो बेनिफिट है ना किसी और को पास नहीं किया, ये सेल्फ डिक्लेरेशन में। और फिर वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में तो साइन वाइन करना पड़ता है, और लिख रखा है कि आई हियरबाय सोलेमली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट। वेरिफिकेशन में पार्ट किसी भी चीज का वेरिफिकेशन में ही होता है कि जो भी बतलाए सही है, हमारे जानकारी के हिसाब से सही है, एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर, और कुछ भी छुपाया नहीं गया, सब सही बतला दिया गया। मतलब ऐसे नहीं कि, ये भी तो हो सकता है कि सही होना ही काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि कंप्लीट बतलाए हैं ना, ये नहीं कि बतला दिए कि भाई सही तो होगा ही जितना दूर बतलाए हैं, लेकिन पूरी बात कुछ बतलाए ही नहीं, दबा कर बैठे हुए तो उससे भी तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो इसलिए कुछ छुपाइए भी मत, और जो बताइए सही बताइए, दोनों कंप्लीट एंड करेक्ट। तो अब इसमें फिर एनेक्सियर दिए गए, एनेक्सियर 1 में स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1A है। अब मेरे ख्याल से इतना पार्ट रहने देते हैं, बाकी दूसरे पार्ट की कहानी दूसरे उसमें किया जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ तो समझ में आया ना, एक दो बात। अब ऐसा कीजिए प्रभु,